हेलो एंड वेलकम। आज की मेरी वीडियो में मैं नेचुरल 100% सेफ मॉस्किटो रेपेलेंट बनाने वाली हूँ। और ये मॉस्किटो रेपेलेंट बनाना बहुत इजी है, आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। वैसे तो बाजार में बहुत तरह के मॉस्किटो रेपेलेंट मिलते हैं, लेकिन उनमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि बच्चों के लिए, हमारे लिए भी सेफ नहीं होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरीके की होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, होम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। इसमें मैं कुछ नीम का पाउडर ऐड करूँगी। अगर आपके पास फ्रेश नीम लीव्स मिल जाए तो उसे सुखा के वो आप डाल दीजिए, क्योंकि सबसे पहले हमें नीम इन्फ्यूज़ ऑयल बनाना है। उसके लिए मैं 3 से 4 चम्मच टेबल स्पून मैंने लिया ही है नीम पाउडर। आप चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी नीम पाउडर का, अगर आपको फ्रेश नीम लीव्स ना मिले तो। उसके बाद आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं कैरियर ऑयल की तरह। अगर ऑलिव ऑयल नहीं अवेलेबल है आपके पास तो आप कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हैं। आप इस पूरे मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। इसे 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि पूरा नीम का जो एक्सट्रैक्ट है इसमें पूरा इन्फ्यूज़ हो जाए। 2 दिन के बाद ये इस तरीके का आपको मिलेगा। उसके बाद इसे फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे आप 15 मिनट के लिए ढक्कन कवर करके 15 मिनट के लिए उबलने दीजिए। मीडियम फ्लेम पे, तेज़ मत करिए। आफ्टर 15 मिनट्स ही आपको इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद अच्छी तरह इसको चम्मच से मिला लीजिए, और किसी भी पतला कॉटन का कपड़ा हो उससे फ़िल्टर करिए, क्योंकि जो चाय छानने वाली छन्नी है, किसी और चीज़ से आप फ़िल्टर करेंगे तो मोटे पार्टिकल्स रह जाएंगे जो कि अच्छी तरह से डिफ्यूज़ नहीं होंगे। इसलिए हमें बिल्कुल ही इसे पतले कपड़े में छानना है, जिससे कि सिर्फ ऑयल रहे, इन्फ्यूज़ ऑयल रहे और कुछ भी मोटा पार्टिकल इसमें ना आए। इस तरीके से इसको पूरा पोर कर लीजिए आप किसी भी बोल में या किसी भी बर्तन में। और ये जो नीम ऑयल है ये 100% नेचुरल और सेफ़ है। आप चाहे तो इसे बच्चों की स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह रात को सोते समय। ये देखिए मैंने इसको छान लिया है, और ये लिक्विड ठंडा होने के बाद ही छाने, जिससे कि आप इसको हाथ से ऐसे प्रेस कर सकें। और छनने के बाद ये इस तरीके का हमें मिलेगा नीम इन्फ्यूज़ ऑयल। आप कोई भी मॉस्किटो रेपेलेंट की जो बॉटल होती है उसे ले लीजिए, साफ़ कर लीजिए, और जो इसका डिफ्यूज़र स्टिक निकालने के लिए आप इस तरह का प्लास यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो भी लिक्विड है हमारा उसको मैं पोर कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं इसे खाली रखूँगी, जिससे कि इसमें मुझे कैम्फर ऐड करना है तो वो उसके लिए जगह बची रहे। अब इसको मैं वाइप कर रही हूँ जो भी एक्स्ट्रा ऑयल बाहर लगा हुआ है। उसके बाद जो पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं हम कैम्फर या कपूर बोलते हैं इसे, पूजा के लिए मिलता है दुकान में, आप बोलेंगे मिल जाएगा आपको। आप चाहे तो मैं इसकी लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये 10 से 15 छोटी बॉल्स आप ऐड कर दीजिए, अगर बड़ा है तो आप उसे तोड़ के डाल सकते हैं। और आप चाहे तो इस तेल को आप दिए में भी यूज़ कर सकते हैं, दिए में आप कुछ कैम्फर बॉल और ये तेल डाल के जलाएंगे तो भी मच्छर भाग जाएंगे। अब ये डिफ्यूज़र स्टिक को मैं इसमें बंद कर रही हूँ। ये रिफ़िल, ये हमारी रिफ़िल तैयार हो गई मॉस्किटो रेपेलेंट। अब मैं इसमें मशीन लगा रही हूँ। मैंने तो गुड नाइट रिफ़िल मशीन ली है, आप कोई भी मशीन जो आपके पास पुरानी पड़ी हो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से आप बंद कर दीजिए, और ध्यान रखिए कोई भी तेल एक्स्ट्रा इसके ऊपर ना लगाओ। जो भी तेल एक्स्ट्रा हो उसको आप अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। उसके बाद इसे स्विच बोर्ड में लगा दीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए। ये मेरे पास गुड नाइट रिफ़िल की बॉटल है, तो इसमें ऑप्शन है कि हाई लो करने का। और ये 100% नेचुरल और सेफ मॉस्किटो रेपेलेंट आपका तैयार हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय।